के बुलेटिन में हम प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, राजनीतिक गतिविधियों पर बात करेंगे और तमाम सारी खबरें, कर्मचारियों से जुड़े हुए मसले भी हैं, आम जनता से जुड़ी हुई खबरें भी हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली चले गए हैं और परसों मंगलवार को वापस शिमला लौट आएंगे। आपको बता दें कल दिल्ली में CWC की बैठक होने जा रही है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली में होने जा रही है, जो कि पिछले महीने हैदराबाद में भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश को लेकर भी वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो जानकारी अपनी रखेंगे, सरकार की बात बताएंगे, राजनीतिक हालात प्रदेश के बताएंगे, प्रदेश के राजनीति में क्या कुछ इस वक्त नया कुछ चल रहा है, सरकार किस तरह का काम कर रही है, क्या क्या नए जो है वो फैसले यहाँ पर आपदा प्रभावितों के लिए लिए गए हैं, उसकी भी जानकारी वहाँ पर नेताओं के साथ साझा करेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वो भी इस CWC की बैठक में दिल्ली में मौजूद रहेंगी, वह भी इस बैठक के लिए वहाँ पर चली गई हैं। तो आला नेताओं के साथ मुलाकात में कई मुद्दे भी उठ सकते हैं। आपको बता दें सरकार में मंत्रिमंडल में जो है वो 3 पद अभी खाली पड़े हुए हैं और खासा दबाव जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है। लगातार हाईकमान से भी प्रेशर डलवाया जा रहा है लेकिन अब तक ये विस्तार यहाँ पर नहीं हो सका है। तो इस बार भी दिल्ली में हो सकता है कि आला नेताओं के साथ चर्चा में इस तरह की बात उठे, क्योंकि प्रतिभा सिंह पहले भी दिल्ली में जो है वो इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। कई बार वो दिल्ली में बात कर चुकी हैं, मांग कर चुकी हैं कि संगठन के नेताओं को सरकार में तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में एक बार फिर दोनों नेता दिल्ली में होंगे, आला नेता भी वहां पर होंगे और देखना होगा कि ये मुद्दा वहां पर उठता है या नहीं उठता है। जो पिछले दिनों बरसात की वजह से नुकसान हुआ है, उस बरसात में आपदा राहत को लेकर जिलाधीशों ने क्या कुछ काम किए हैं, कितना पैसा वो खर्च कर चुके हैं, कितने लोगों को अब तक जो है वो राहत पहुंचा चुके हैं, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी और जरूरी निर्देश जो है वो जिलाधीशों को मुख्यमंत्री यहां पर देंगे। इसके साथ साथ जिलों में कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर जो है वो सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बातचीत की जाएगी और उनसे जानकारी ली जाएगी कि किस जिला में किस तरह की व्यवस्था जो है वो इस वक्त चल रही है, जहां कहां कहां पर जो है वो हालात बिगड़े हैं वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है और पुलिस के लिए किस तरह की ज़रूरतें हैं, जो सरकार से उन्हें चाहिए, जो आधारभूत ढांचा है उसमें किस तरह से वृद्धि की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जिलों में किस तरह के कामकाज चल रहे हैं और कैसे आने वाले दिनों में काम किए जाएंगे, उनको लेकर जो है वो बातचीत होगी। अधिकारियों को जो टारगेट दिए गए हैं उन पर मुख्यमंत्री रिपोर्ट लेंगे और सरकार की आगामी दिशा जो है वो उनको दी जाएगी, उनको दिखाई जाएगी। तो इस तरह की बैठक जो है वो मंगलवार को होने वाली है और महत्वपूर्ण बैठक ये सरकार के नजरिए से यहां पर रहेगी। उधर बात करें बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, तो इसकी सिफारिशें देने के लिए एक सर्विस कमेटी की बैठक होती है जिसमें फैसला लिया जाएगा, लेकिन सर्विस कमेटी की बैठक से पहले एक कमेटी का गठन जो है यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है जो कि सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा करेगी। तो औपचारिकताएँ ताकि बाद में कोई किसी तरह की दिक्कत ना रहे, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी तो जल्द जो है वो कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी। तो तुरंत कर्मचारियों को OPS लागू कर दी जाएगी इस कमेटी द्वारा जो है वो अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद। तो ये कमेटी अपनी औपचारिकताएं पूरी करेगी, जो निदेशक कार्मिक है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और उसके साथ साथ फिर सर्विस कमेटी की बैठक के लिए सिफारिशें जाएंगी और सर्विस कमेटी की बैठक में कर्मचारियों को, लगभग 6,500 कर्मचारी हैं जिनको OPS का लाभ दिया जाना है, उन्हें ये लाभ मिल जाएगा। तो अब ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि 3-4 महीने से ये कर्मचारी बिजली बोर्ड के इंतजार कर रहे हैं और इनमें नाराजगी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर रखा है और अब औपचारिकताएँ ही केवल शेष इसमें रह चुकी है। जो मंडे मीटिंग होनी है, मंडे मीटिंग होती है मुख्यमंत्री की सभी विभागीय सचिवों के साथ, वो बैठक जो है वो फिलहाल नहीं हो पाएगी। इस बार अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग जो है वो नहीं हो सकेगी। सभी विभागों ने इसकी तैयारियां जो है वो कर ली थी, एजेंडा सभी का अलग अलग इसमें रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली चले जाने की वजह से सोमवार को ये बैठक जो है वो टल गई है। अगले सोमवार को ही ये बैठक होगी और जो पिछला एजेंडा इसमें रह गया था उस एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें जो टारगेट दिए गए हैं अलग अलग विभागों के सचिवों को, उन टारगेट पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो अगले सोमवार को ये बैठक होगी, इस बार ये बैठक टल गई है। प्रदेश में बेसहारा बच्चों को, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बनाया गया है, उनके लिए मकान भी बनाए जाने हैं और उनको मकान किस तरह से मिलेंगे, क्योंकि 3 लाख रुपए इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। 11 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और जानकारी है कि उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे और ये बताया जा रहा है कि 2 स्कीमों में जरूरी संशोधन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है वो अपना प्रस्ताव लाएगा। मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम और स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, इन दोनों में कुछ ना कुछ संशोधन इसमें जो है वो किए जाने हैं ताकि बेसहारा
द्वारा बच्चों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की व्यवस्था की जा सके। अभी 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था जो है वो एक स्कीम में की गई है, लेकिन दोनों स्कीमों में संशोधन से 3 लाख रुपए की राशि हो जाएगी और 2700 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, जो प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी योजना जो है वो इस वक्त बनकर सामने आई है, उसको लॉन्च किया है और उसके बाद अब नियमों में संशोधन कर जो घोषणाएं उसमें की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, उनको अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस कैबिनेट में ऐसे कुछ मुद्दे आएंगे जो मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर आधारित होंगे और उनको पूरा करने के लिए कैबिनेट यहाँ पर बड़े अहम फैसले लेने वाली है। बात करेंगे कर्मचारी वर्ग की, तो ज्वाइनिंग अपनी ट्रांसफर के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले कर्मचारियों को सरकार के विभागों से शो कॉज नोटिस अब जारी कर दिए जाएंगे। सरकार की ओर से विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जिन कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं उन्हें तय समय पर ज्वाइनिंग उन्होंने नहीं दी है, ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिए जाएं, क्योंकि कार्मिक विभाग ने कुछ समय पहले इस पर जरूरी निर्देश जारी किए थे और एक टाइम रखा है, टाइम बाउंड किया है कि कर्मचारी का तबादला होता है तो उसे कितने दिनों में आगे ज्वाइन करना होगा। तो ऐसे में उल्लंघना करने वालों पर अब कार्रवाई होनी बिल्कुल तय है, उनको शो कॉज नोटिस जो है वो अब सभी विभागों द्वारा जारी किए जाएंगे। बात करेंगे मौसम की, तो पहाड़ों पर बढ़ी सैलानियों की जो है वो चहल पहल अब बढ़नी शुरू हो चुकी है। पर्यटन कारोबार ने रफ्तार यहाँ पर पकड़ ली है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली और डलहौजी की बात करें तो वहाँ पर टूरिस्ट की आमद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई अब नज़र आ रही है। दुर्गा पूजा में आमद जो है वो वैसे भी काफ़ी बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना जो है इसमें दिख रही है। तो मानसून में पूरी तरह से पर्यटन का कारोबार यहाँ पर ठप हो चुका था। जुलाई और अगस्त महीने के साथ साथ सितंबर महीने में भी यहाँ पर पर्यटन कारोबार चौपट रहा। अब सैलानियों की आमद शुरू होने से कारोबारियों को जो है वो आस जगी है और प्रदेश की जो पर्यटन सैरगाहें हैं वहाँ पर भी अब टूरिस्ट नज़र आना शुरू हो चुका है। छोटी छोटी शहरगाहों पर भी अब टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे कि अब अच्छा मौसम जो है वो विंटर सीजन आने वाले दिनों में आने वाला है, तो उससे हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन है उसे और ज़्यादा पंख जरूर लगेंगे। हिमाचल में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 10 अक्टूबर को भी राज्य के कई स्थानों पर बारिश होगी। शिमला, चंबा चुका है प्रदेश में और ऐसे में टूरिस्ट भी यहाँ पर जरूर आएंगे और अच्छा कारोबार यहाँ पर होगा और बेहतरीन मौसम भी अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।